हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि शॉर्ट वेव रेडियो क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपके यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है MW यानी कि मीडियम वेव, SW यानी कि शॉर्ट वेव, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, TV1 TV2 टेलीविजन टेलीविजन 2। तो आप पहले नोटिस करेंगे एक चीज़ कि यहाँ पे MW में बड़े नंबर्स हैं, SW में छोटे नंबर्स हैं, FM में एक ठीक ठाक नंबर्स हैं, TV1 में भी छोटे हैं और TV2 में थोड़े बड़े हैं। सेकेंड चीज़ नोटिस करने की वो ये है कि देखिए, जो मीडियम वेव्स हैं इसमें किलोहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, शॉर्ट वेव में मीटर्स लिखा हुआ है, एंड जो FM है उसमें MHz लिखा हुआ है, TV1 में M लिखा हुआ है और यहाँ पे MHz लिखा हुआ है। यहाँ पे भी MHz होना चाहिए, M लिख के छोड़ दिया है। तो एक्चुअली में है, देखिए दोस्तों, नाम तो SW शॉर्ट वेव है, लेकिन सबसे लंबा यही वेव है। इतना लंबा है कि मतलब एक कॉन्टिनेंट से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल कर सकता है। शॉर्ट वेव की खासियत यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है लेकिन डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है। FM की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, डिस्टेंस कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण डिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण कि आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती। लेकिन अगर वेदर साफ है, एंटीना अच्छा है, तो आवाज़ इतना क्लियर आएगी। एंड शॉर्ट वेव रेडियो आपको मार्केट में अवेलेबल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल। तो अलग अलग वैरायटी रेडियो होती है। मेरी रेडियो जो 5 बैंड रेडियो है, इसमें एक शॉर्ट वेव का बैंड है, लेकिन यहाँ आपको 19 से 25 दिख रहा होगा और फिर 60 तक दिख रहा होगा। ये शॉर्ट वेव का एक 1 से लेके 4-5 बैंड तक मिक्स है। शॉर्ट वेव में बहुत सारे बैंड्स आते हैं। बैंड्स मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। 19 से 25, 31, 41 इधर है, कुछ मेरे को मिले 19 से 25 ही एक बैंड में, सेकंड बैंड में 25 से 41, फिर 41 से 60, ऐसा है। सो इसमें तो सब मिक्स है, लेकिन मिक्स होने का प्रॉब्लम क्या होता है कि शॉर्ट वेव जो होता है बहुत सारे चैनल्स है, मीन्स 0.1 में भी चैनल चैनल होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे हम इसको ट्यून करेंगे, ट्यून करते क्या होता है कि हम थोड़ा सा ट्यून करें ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण क्या, कुछ चैनल छूट जाएंगे और कई बार क्या होता है, एक चैनल लगाओ तो दूसरे चैनल की आवाज़ बनने लगता है। शॉर्ट वेव में आप अगर एक कंट्री में दूसरे कंट्री की आवाज़ भी सुन सकते हो। शॉर्ट वेव की यही खासियत है। होप सो हमने शॉर्ट वेव के बारे में बहुत कुछ बता दिया होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।